क्या आप भी अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रहे हो? क्या आपको पता है कि कौन सी बोतल आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी? क्या आपको ये पता है कि आपको बोतल को किस तरह से क्लीन करना चाहिए? क्या आपको ये पता है कि बोतल में भी काफ़ी इन्वेंशन और नई नई अलग टेक्नोलॉजी की बोतल्स आती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर हाजिर हूं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे दूध की बोतल के बारे में। मित्रों, वैसे तो दूध की बोतल से दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। मम्मी का दूध ही बच्चे के लिए अमृत होता है और वो भी बेस्ट होता है। मगर ऐसे कई बार कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे को बोतल से दूध देना पड़ सकता है। कई बार आप मम्मी के दूध के साथ भी बोतल देते हो और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी का दूध बिल्कुल ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बोतल से ही दूध देते हैं। तो कोई भी डॉक्टर आपको बोतल से दूध पिलाने की सलाह नहीं देगा। मगर हमने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो बच्चे बोतल से ही दूध पीते हैं और उसको कई सारी परेशानियाँ होती हैं। तो दूध की बोतल की वजह से आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किस तरह से आप सेफली अपने बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिला सकते हैं और कौन सी बोतल आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी, इसी सभी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। मित्रों, क्या आपको पता है कि दूध की बोतल से दूध पिलाना क्यों प्रॉब्लम कर सकता है? इसलिए प्रॉब्लम कर सकता है कि दूध की बोतल प्लास्टिक की बनी हुई होती है और ये प्लास्टिक को अगर बार बार साफ़ करने से, क्लीन करने से, उबले पानी में धोने से, इसमें से काफ़ी हानिकारक केमिकल निकलते हैं और वो हानिकारक केमिकल आपके बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं किया गया तो इसमें इन्फेक्शन लग सकता है और आपका बच्चा बीमार पड़ सकता है। तो इसी सब कारण की वजह से डॉक्टर दूध की बोतल से दूध पिलाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाना है तो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले, कोई भी बाज़ार में मिलने वाली सस्ती प्लास्टिक की बोतल ना खरीदे, वो आपके बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। हमेशा अच्छी कंपनी की, अच्छे प्लास्टिक के मटेरियल वाले ही दूध की बोतल खरीदे। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि आपकी जो बोतल है वो अच्छे प्लास्टिक की और अच्छे मटेरियल से बनी हुई है? तो सबसे पहले उसके पीछे बने एक ट्रायंगल को देखिए। अगर उसमें 4 नंबर, 5 नंबर लिखा है तो वो बोतल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके पीछे 7 नंबर लिखा है तो वो आप यूज़ मत करिए। हाँ, मगर कई ऐसी कंपनीज है वो 7 नंबर वाली भी बोतल बनाती है, मगर उसमें लिखा होना चाहिए BPA फ्री, मतलब 20-फिनोल-A नामक एक केमिकल होता है जो 7 नंबर वाली बोतल में यूज़ होता है, मगर ये केमिकल आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर उस बोतल पे लिखा हुआ है कि BPA फ्री प्लास्टिक बोतल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी सस्ती प्लास्टिक की बोतल मत खरीदिए, उसमें से हानिकारक केमिकल आपके बच्चे को बीमार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप प्लास्टिक की बोतल खरीदे तो उसके पीछे जो ट्रायंगल है उसमें देखिए कि उसमें क्या 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो ही खरीदिए, और उसमें BPA फ्री लिखा है तो ही खरीदिए। अब बात करते हैं निप्पल के बारे में। जैसे पुरानी जो भी प्लास्टिक की बोतल थी उसमें ये क्लासिक निप्पल होती थी, मगर अभी इनोवेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये संशोधन किया है कि क्यों ना ये निप्पल इस तरह से बनाया जाए ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि वो ब्रेस्ट से ही दूध पी रहा है। तो अभी वाइड बोर वाली निप्पल्स भी अवेलेबल है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाते हैं तो वो अच्छी प्लास्टिक की मटेरियल वाली होनी चाहिए और वाइड बोर वाली जो निप्पल्स आती है वही यूज़ करिए, वही आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी। अब बात आती है कि आपके पास कितनी बोतल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ बोतल फीडिंग पे है, ना तो वो मम्मी का दूध कभी भी पीता है, तो आपके पास मिनिमम 6 प्लास्टिक की बोतल होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सके, स्टरिलाइज कर सके और उसको बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे, आप उसको बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको निप्पल और बोतल को कब चेंज करना है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बार बार से साफ़ करेंगे, गर्म पानी से धोएंगे, तो उसमें हो सकता है स्क्रैचिस आ जाए, इसका कलर चेंज होने लगे, निप्पल क्रैक होने लगे, उसका कलर चेंज होने लगे, तो आपको बोतल चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी बोतल में ये 3 महीना लगे, किसी बोतल में 4 महीना लगे, बट अप्रॉक्सीमेटली आप अपनी बोतल
4 से 5 महीने में बंद चेंज कर ही दीजिए, वही आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी एक चीज़ आती है, अभी खास करके नई जो प्लास्टिक की अच्छी सी बोतल आती है उसमें वेंट टेक्नोलॉजी आती है। वेंट टेक्नोलॉजी क्या है, तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो दूध के साथ साथ बच्चा एयर भी मतलब हवा भी सक करता है, उसकी वजह से बच्चे के पेट में हवा के बुलबुले बन जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे को पेट में गैस होता है और कोलिकी पेन हो सकता है। तो अभी काफ़ी ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें यहाँ पे एक वेंट दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चा जब भी दूध पिएगा तो वो एयर बबल्स जो बनते हैं वो वेंट में से बाहर निकल जाएगा, वो बच्चे के पेट में नहीं जाएगा, ताकि बच्चे के पेट में गैस ना बने और उसको कोलिक पेन ना हो। तो जब भी आप बच्चे की बोतल चूज़ करें तो ये 3-4 बातें हमेशा याद रखिए। एक तो कोई भी सस्ती प्लास्टिक की बोतल मत खरीदें, अच्छा प्लास्टिक वाला ड्यूरेबल मटेरियल ही खरीदें, उसमें 7, 5 या 4 नंबर लिखा होना चाहिए, निप्पल है वो वाइट बोर वाली निप्पल होनी चाहिए, और ख़ास वेंट टेक्नोलॉजी वाली ही बोतल खरीदें। मैंने ऐसी 1-2 बोतल की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं कि बच्चे को ये जो बोतल है उसको क्लीन कैसे करें। वैसे क्लीन करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप उसको साबुन के पानी से भी धो सकते हैं, उसको गर्म पानी से उबाल के भी साफ कर सकते हैं, बाज़ार में रेडीमेड स्टीम स्टरिलाइज़र भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और डिश वॉशर में भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है कि बोतल को क्लीन कैसे करना है, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसमें आपने कोई भी लापरवाही बरती तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसके लिए मैं अलग से दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बोतल को आपको क्लीन कैसे करनी है। ये प्लास्टिक की बोतल के अलावा भी बाज़ार में कई और तरह की भी फीडिंग बोतल अवेलेबल हैं, जैसे कि ये ग्लास की बोतल, सिलिकॉन की बोतल या तो स्टेनलेस स्टील की बोतल, बट मगर मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ अच्छे प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि ग्लास की बोतल को टूटने का डर रहता है, वो काफ़ी भारी होती है, सिलिकॉन बोतल काफ़ी महंगी आती है और स्टेनलेस स्टील की बोतल ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ अच्छे प्लास्टिक की ड्यूरेबल बोतल, वाइड निप्पल वाली बोतल, और उसको अच्छी तरह से क्लीन करिए। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका नॉलेज बढ़ा होगा। अगर फिर भी बोतल फीडिंग के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बोतल को क्लीन कैसे करना है, और वो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है बच्चे की बोतल को दूध क्लीन करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन लगने की वजह से। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ आपको नया सिखाने के। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।